दुर्ग न्यायालय में शनिवार को एक मामला सामने आया जिसमें परिवाद के केस में पहुंची महिला ने वकील को चप्पल से मार दिया, जिसके बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दुर्ग थाने का घेराव कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दुर्ग न्यायालय में शनिवार को महिला द्वारा वकील को चप्पल से मार देने का मामला सामने आया है। इसके बाद आक्रोशित सभी अधिवक्ताओं ने वकील के समर्थन में दुर्ग सिटी कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग कर डाली। महिला के द्वारा वकील को चप्पल से मारे जाने का मामला बढ़ता ही रहा, जिसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर पटेल चौक पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होकर महिला पर अपराध दर्ज करने की मांग कर डाली। इस मामले में दुर्ग अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवाद का, असीम सिंह उसमें अधिवक्ता थे, वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मन मुटाव है दो भाइयों के बीच में, तो वो एक तो बोलता है नहीं नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है रे बोलने वाला इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी, हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है और सीसी कैमरे में सारी चीज़ें आई है। लेकिन सीसी कैमरा चूँकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फिलहाल, लेकिन हकीकत ये बात आई थी। हमने कहा कि सारी चीज़ सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके। हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है आपस में सॉरी बोल के ख़त्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है लेकिन वो महिला बोलती नहीं नहीं मैं नहीं झुकूंगी, मतलब इतने हद पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये शोभा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं अब तो इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है तो अब FIR होना चाहिए। तब हम लोगों ने तब से हम सॉरी बोलवा रहे लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं हुई है। इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को दूर तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कारण था कि वकील लोग? यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करो तो प्रशासन एक सप्ताह का समय बोल रहा था। हमने कहा एक सप्ताह नहीं, क्योंकि संघीय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए और वही मांग थी और वो मांग हमारी। चप्पल की बात बताएं ना हमने कि चप्पल मारी है जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने, आप देख सकते हो उसमें उनके साइड में चप्पल का निशान भी है। और हम लोगों ने इसीलिए एडवोकेट को आए दिन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है आचार संहिता के बाद हम लोग
प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे। इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करें। चक्कर में चूंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। बता दें दुर्ग न्यायालय में अचानक हुए इस मामले से शहर की मुख्य सड़क पर अधिवक्ताओं का आक्रोश नजर आया। इस मामले के चलते शहर की सड़कों से गुजरने वाले आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करते देखा गया। लोकसभा चुनाव के चलते लगे आदर्श आचार संहिता के बाद भी शहर के पटेल चौक पर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई जिससे आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करते देखा गया। बहरहाल इस मामले में दुर्ग पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को शांत करवाया। इस संबंध में दुर्ग CSP ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार की जानकारी दी है। मामला इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए यह कंप्लेन देके कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद था, विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जाँच करेंगे और सबसे पहले FIR करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके नहीं आचार संहिता लगी हुई है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया है। तीन घंटे नहीं हुआ, 3 घंटे नहीं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।